आंखों को जाम लिखो, जुल्फ को बरसात लिखो, जिससे नाराज हो उस शख्स की हर बात लिखो। हर बात आपको लिखना पड़ेगा। SN2 मैकेनिज्म है। SN2 स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूल। एलिफैटिक कंपाउंड में हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसका हम एक एग्जाम्पल लें। ये कार्बन है, यह ए, यह बी, यह डी है और ये है आपका लिविंग ग्रुप एल। ये जो जनरल लाइन है ये बता रहा है कि ये इस प्लेन में, प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स दैट दिस ग्रुप इज इस प्लेन के पीछे है, बिलो इस प्लेन के पीछे, और ये डार्क लाइन, डार्क वेज जो है ये आपको बता रहा है कि अबव द प्लेन ये ग्रुप। एंड माइंड दिस कार्बन हैज फोर ग्रुप्स, फोर डिफरेंट ग्रुप, और द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय फोर डिफरेंट ग्रुप, मीनिंग दर बाय दिस कार्बन इज काइडल। ये लिविंग ग्रुप है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, OH फाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर पीछे से अटैक करेगा, इसको कहते हैं रिमोट साइड से। रिमोट का मतलब, पीछे का मतलब लिविंग ग्रुप जिधर है उसके पीछे से ये अटैक किया। ये स्लोएस्ट स्टेप है, स्लो है ना, तो स्लोएस्ट स्टेप इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और यहां पर दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, दिस एंड दिस, इसीलिए इसको बाय मॉलिक्यूलर करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एंड न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग, और यहां पर दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए बाय मॉलिक्यूलर। देयरफॉर नाउ यू आर वेरी वेरी क्लियर दैट SN2 स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। तो ये कार्बन यहां पर क्या है, SP3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्या हो जाएगा, ए बी डी, ये SP2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, ए बी डी तीनों प्लेनर हो जाएगा, और ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल OH डेल्टा माइनस CL डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस देने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, अटैक कर रहा मतलब दे रहा है, इस पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन बचेगा, थोड़ा उसको दे दिया, ये लिविंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तभी लेके भागने भागने पर ये अटैक करने करने को है, ये लेके भागने भागने को है, इसीलिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया। और ये कार्बन ABBA प्लेन में है, बिकॉज इट इज नाउ, दिस कार्बन इज नाउ SP2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये दोनों ग्रुप जो है उसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सपोज ये प्लेन है तो इधर से अटैक कर रहा है, इधर से निकलने वाला है, ये दोनों ग्रुप अटैकिंग ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो यहां पर हो क्या जाता है, ए ये बी और डी दोनों उस तरफ चला जाएगा, ए हो जाएगा बी, ए हो जाएगा डी, और अटैक पॉइंट इधर से क्या है, ये हो जाएगा पॉइंट नॉर्मल लाइन। तो कहने का मतलब बी डी जो इधर है, बी डॉटेड से यहाँ दिखाया गया है, तो यहाँ भी बी डॉटेड से दिखाया गया है, जी यहाँ डार्क लाइन है, यहाँ भी ये डार्क लाइन है,
मतलब कि बी और डी का जो यहाँ पोजिशन है, बी पीछे है डी इधर है, इन द सिमिलर फैशन बी पीछे है डी इधर है, वह सिर्फ क्या है इधर जो ग्रुप था वो उधर चला गया, मीन्स जो इधर था इधर हो गया, जो इधर था इधर हो गया, किसको इट इज ए किसको डांसर, तो मीन्स इन्वर्सन इज टेकिंग प्लेस, मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो रहा है, ऐसे था ऐसे हो गया, मीन्स मॉलिक्यूल इज इन्वर्टिंग, ये हो गया। अब ये इन्वर्सन ये यदि कायल है तो देयर विल बी सम स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन इसका कुछ होगा, तो क्योंकि मॉलिक्यूल इन्वर्ट कर गया है तो निश्चित रूप से वह ऑप्टिकल रोटेशन चेंज कर जाएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप एल हटके ओएच आया है वो भी पीछे, एल उधर था ओएच पीछे आ गया है, तो ऑप्टिकल रोटेशन जरूर चेंज करेगा। अब इस मैकेनिज्म को जरा हम समझ लें, टाइमिंग कम या अब जैसे सपोज ये कार्बन है जगह और ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है, ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये लाल वाला लिविंग ग्रुप, ये ए है, ये बी है, ये डी है, ओके, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये चला वहां से अटैक किया, ओके, आप इसी तरह रखेंगे इसको, ये अटैक किया, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेयर करेगा, ये स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। नौ ये कार्बन अब एस पी टू हाइब्रिड हो गया, ये प्लेनर हो गया, एक प्लेन मान गया, जैसे ये दोनों उधर से इधर आ गया ये इसको रिपेयर करेगा, ये स्टेट हो गया। इसे नौ ये ग्रीन और ये रेड एक लाइन में आ गया, मीन्स इस प्लेन के ये परपेंडिकुलर आ गया, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल बोथ आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब क्या अब ये टेंशन स्टेट हो गया, बीच वाला स्टेट टेंशन स्टेट, अब ये नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों को रिपेल करेगा, ये दोनों ऐसे हो ऐसे हो, जब ये दोनों इधर आएगा तो ये ऐसे था ना, इसको रिपेल करेगा, ये निकल गया लिविंग। अब देखो तो ये हो गया, तो इन्वर्सन हुआ कि नहीं, ये दोनों जो उधर था वो इधर आ गया, दिस इज इन्वर्सन, मॉलिक्यूल इन्वर्ट कर गया, ओके। तो माई मीन टू से दैट एसन टू मैकेनिज्म में इन्वर्सन मस्ट है, और ये इन्वर्सन आपको देखने को मिलेगा जबकि ये यहां पर कायरल कार्बन हो, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये भी आपका क्लियर हो गया। और ये ध्यान देना ट्रांजिशन स्टेट जो होता है विच इज हाइपोथेटिकल और यू कैन नॉट आइसोलेट इट इवन प्रिडिक्ट इट, है ना, ये हाइपोथेटिकल है कि निश्चित रूप से ये दोनों आपस में कुछ कुछ किया होगा और इस एनर्जी से ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम डालने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल, तो उसमें आप देखेंगे कि ये ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है। ओके गाइस, तो उम्मीद है कि मेरा यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसे आप अवश्य लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, थैंक यू।